कहते हैं कैंसर को ठीक करना आसान नहीं है, लेकिन हमारे गुरु राजीव दीक्षित जी एक बात कहते थे, कोई भी कार्य तब तक असंभव है जब तक उसे करना शुरू ना करो, और जब किसी भी काम पे करने वाले लग जाते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या को हल कर देते हैं। आज हमारे बीच में माता जी हैं और जिनको कैंसर थी गले में और यहाँ पर गांठ थी, और अब कहीं भी आप देखो गांठ ख़त्म हो चुकी है, शरीर के चेहरे की चमक बहुत अच्छी आ गई, और इन्होंने ये कैंसर की जंग कैसे जीती है वो माता जी बताएंगे, क्या क्या इन्होंने खाया, इनके बच्चे ने क्या किया, और आप सबके बच्चों ने क्या करना है वो भी ये माता जी बताएंगे। माता जी बताएं क्या क्या खाया आपने। मैं कुट्टू की रोटी खाई, सिंघाड़ा ही खाई, मूंग की खाई, और यो सम्मक खाया। हाँ, और आपने दे रखे थे वो पत्ते, कौन कौन से खाए आपने? पत्ते नीम के, शीशम के, बड़ के, पीपल के, कई रुख है पत्ते खाए, कई रुख, रुख का मतलब पेड़, कई पेड़ा के खाए। अच्छा, कई पेड़ों खाए, पहले लोग अपना तो रुख ही कहते हैं, रुख कहते हैं। और गेहूं का जुवारा, और गेहूं का जुवारा मेरे बेटे ने बोया। आपका बेटा बहुत प्यार करता है आपसे? गणा नहीं रे, है बहुत गणा। आजकल के तो बच्चे ऐसे हैं कि माता पिता को डिगा दे, तो टेम की टेम दवा दी। तो गेहूं का ज्वारा बेटा कैसे उगाया? बहुत सारे रोगी कहते हैं उगता नहीं है। गेहूं का ज्वारा जो इन्वर्टर की जो पानी की जो खाली बोतल होती है ना, उसकी कटिंग करके, अच्छा, उसमें बाल उरेत डाल के उसमें उगाया था, वो उसके अंदर उगाया था। हाँ, उसको फिर इतना साइज होने के बाद कैंची से कटिंग करके मिक्सी में उसका जूस निकाल के कपड़े के छान के फिर पिलाया था। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रोहतक से, गांव पिलाना से रहने वाले। रोहतक के पास गांव है पिलाना। हाँ, रोहतक से कितनी दूर है? रोहतक से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है, कौन से रोड पे है? ये कलानौर के पास में ही है अप्रोच। कलानौर के पास ही अप्रोच में। तो माता जी खुश हैं आप? पति खुश है। तो लोग कहते हैं कैंसर बहुत बड़ी बीमारी और आपने चुटकियों में खत्म कर दिया, 6 महीने तो लगे लेकिन आपने हरा दिया। 6 महीने में ठीक होगी, जमा होगी। हाँ। तो गाय को बचाओगे आप? गाय दो गाय रखी है। अच्छा। हाँ। तो गौ माता की कृपा है, ऐसा तो नहीं है ठीक होने के बाद गाय को बाहर भेज दोगे? ये भैंस रखूंगी, कोई निगाह रखूंगी। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। ये बच्चे लड़ाई करेंगे गाय के दूध में, कहेंगे बच्चा मेरे साथ है। ये मानता है? लोग कहते हैं गाय के दूध में घी नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो घी काम का ही नहीं है उसका क्या फायदा है। गाय का घी में आधा किलो घी, दूध में आधा किलो घी लग रहा है। किसी का है ऐसी गाय? हाँ। है कौन सी नस्ल की है? देसी। देसी गाय है? हाँ। तो देसी गौ माता, और वो भी अगर काले रंग की हो तो कैंसर को बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि काले रंग की जो देसी गौ माता होती है उसका दूध त्रिदोष नाशक होता है, गौमूत्र बहुत तीव्र रक्त शोधक होता है, और आसानी से जो गले की गांठ, कैंसर सब ठीक कर सकता है। तो आज माता जी रोहतक से हैं और पिलाना गांव है, तो इन्होंने जंग जीत ली है। क्या नाम है माता जी आपका? राजवंती। राजवंती, बहुत खुशी है माता जी मेरे को। बस गौ माता को रखो और 5 साल तक जैसा मैं कहूँगी मानोगे ना? हाँ, उसे रहा करूँगी। हर 3 महीने में एक बार आशीर्वाद देने आओगे? आऊंगी। पक्की बात है? ठीक हो गया हूँ। चलो 3 महीने में इसलिए बुलाना है आपको क्योंकि ये बीमारी माता जी दोबारा हो जाती है, और दोबारा हो जाती है तो उसे ठीक करना मुश्किल होता है, इसलिए आप 15 दिन के बाद खाली पेट मेरे पास आना, ठीक है, और उसके बाद 3 महीने में एक बार, ठीक है? ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय धरती।